तो प्लान ये है, घर पे सब सोए हैं, मैं क्या करूँगा, बाइक स्टार्ट करूँगा चुपचाप से यहाँ से। तो मैंने ऐसा प्लान बनाया है, बट मेरे को चुपचाप निकलना पड़ेगा क्योंकि घर पे सब सोए हुए हैं। तो लगाता हूँ, रीज़न क्या है वो आगे वीडियो में पता लगेगा आपको, क्यों अर्ली मॉर्निंग इतने सुबह उठ के मैं इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा हूँ, हाथ खराब हुए। और भाई ये देखो मेरी रात भर की मेहनत। सबसे मेन टास्क ये है कि मुझे बाइक भी स्टार्ट करनी है, गेट भी खोलना है, फिर गेट को दोबारा लॉक करना है, फिर उसके बाद चुपचाप निकलना है, बाइक को धक्का मार के पहले आगे ले जाऊंगा, फिर उसके बाद भाई हल्की सी भी आहट हो गई, मम्मी उठ गई ना तो मम्मी मेरी बेल तोड़ दी है। फाइनली वी आर इन हल्द्वानी गाइस। मैं तो बस में हूं, लेकिन मीट अमन, मैं भी आऊंगा क्या व्लॉग? ए साले तीन माचिक ना, ए तुम दोनों ऐसे किसकी माचिक नहीं है रे। और अब हम जा रहे हैं पांच डिनर पार्टी में। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बहुत ज़्यादा रंगीन और चमकीला लग रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा चार्म है मेरे फेस में क्योंकि मैं सो नहीं रहा हूँ रात भर। और अभी हो रहा है सुबह का 3:30 हो रहा है। तो प्लान ये है, घर पे सब सोए हैं, मैं क्या करूँगा, बाइक स्टार्ट करूँगा चुपचाप से और यहाँ से बाइक से जाऊँगा रुद्रपुर, क्योंकि मुझे लेने जाना है अमन को। तो मैंने ऐसा प्लान बनाया है, बट मेरे को चुपचाप निकलना पड़ेगा क्योंकि घर पे सब सोए हुए हैं। ऐसा कुछ प्लान बनाया, देखो क्या होता है, घर वाले देखेंगे जब ये व्लॉग, तब गाली पड़ेगी, कोई नहीं तब तक तो फिर मामला ठंडे हो जाएंगे। तो जाना है रुद्रपुर, एक लंबी मॉर्निंग राइड हो जाएगी मेरी अकेले अकेले सोलो वाली, ये सोच रहा हूँ। बाकी वहाँ से वो आ जाएगा, फिर आगे आगे व्लॉग देखते रहो। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिजी भी रहेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा काम भी करेंगे। मिलते हैं, चलो बाय। भाई अभी पता कितना बज रहा है सुबह का, 3:15 हो रहा है। और मैं अपने गोप्रो के माउंट से, ये जो पुराना माउंट था ये टूट गया था एक्चुअली, इधर से कॉर्नर से देख पा रहे हो आप, तो इसको निकालने में भी हाथ खराब हो गई है पूरा यहाँ पे। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जब लगाया था मुझे इतना तो याद नहीं, तो मैंने इस पर फेविक्विक डाल दिया था तो ये चिपक गया था, बहुत बुरी तरह यहाँ पे कभी निकाला है। अब दूसरा माउंट लगाएंगे, तो लगाता हूँ। रीज़न क्या है वो आगे वीडियो में पता लगेगा आपको, क्यों अर्ली मॉर्निंग इतने सुबह उठ के मैं इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा हूँ, हाथ खराब हो गए। चलो मिलते हैं। और भाई ये देखो मेरी रात भर की मेहनत, इतनी मेहनत करी है मैंने, इतनी मेहनत, ये नहीं है कि मैं सो नहीं रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा भाई। ये पिस्ता खा के, केले खा के, चाय पी के बढ़िया मेहनत करी है रात भर, यही चल रहा है भाई। तो गाइस हमारे साथ सुबह सुबह 4 बजे कौन है, देखो वीडियो कॉल में देखो ये कौन लड़की है सुबह सुबह 4 बजे। वाह भाई, अभी 4 बज चुका है, घर वाले सब सोए हैं और मैं निकल रहा हूँ अमन को लेने के लिए। सबसे मेन टास्क ये है कि मुझे बाइक भी स्टार्ट करनी है, गेट भी खोलना है, फिर गेट को दोबारा लॉक करना है, फिर उसके बाद चुपचाप निकलना है, बाइक को धक्का मार के पहले आगे ले जाऊँगा, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगा आगे जाके। तो रिस्की तो है, घर वाले देखेंगे जब ये वीडियो पेलेंगे मुझे, पक्का मुझे पता है, बट चलते हैं, एडवेंचर हो जाएगा। अभी कैमरे का तो चल रहा है लाइट, अभी टास्क है कि पीछे वाला गेट खोलना है, फिर उसको लॉक करना है, फिर नीचे जाना है, फिर बाइक ऑन करके फिर जाना है। बाइक की चाबी मैंने रख ली है भाई, इसको खोलना है पहले टास्क है। 5 मिनट बाहर तो आ गया हूँ मैं, गेट खुला हुआ है, गेट को बंद करते हैं और चुपचाप नीचे जाते हैं, फिर बाइक आगे धक्का मार के ले जाएंगे। भाई बाइक आगे जाके स्टार्ट करेंगे, मैं इसकी चार्जिंग केबल भी ले आया हूँ ताकि गोप्रो में बैटरी ख़त्म हो जाए। तो हल्की सी भी आहट हो गई, मम्मी उठ गई ना तो मम्मी मेरी बेल तोड़ दी है, बहुत आवारा हो गया, मेरी बेल तोड़ दी है। तो
भाई जल्दबाजी में मैं लेना भूल गया इसका माइक, और माइक मैंने गोप्रो में लगाया, नहीं तो मैं बिना माइक लगाए जा रहा हूँ। तो कोई नहीं, चलो मेरे को थोड़े से शॉर्ट लेने हैं जो रास्ते के मैं जाऊँगा, और साथ में मेरे पीछे एक भैया भी लिफ्ट मांग रहे थे रुद्रपुर जाकर जा रहे थे, तो उनको लिफ्ट भी दे दिए। तो चलो पहुँचते हैं फटाफट रुद्रपुर। पेट्रोल सवेर अराउंड मेरे पास 100 रुपये का है, तो मेरे हिसाब से मैं पहुँच जाऊँगा रुद्रपुर। वापसी आते समय भरा लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी मेन कंसर्न है कि जल्दी पहुँचना है। तो तो नहीं लगी आपको? हाँ नहीं नहीं तो मिलता है। बेटी मैं सोच रहा था अमन को फोन करूंगा, अमन पहले से उठ के बैठा हुआ है, वो छत में घूम रहा था। छत पे 4:58 हो गया है, पहुंच चुके हैं। जल्दी कहाँ पर पहुंच गया? मैं 4:20 4:25 पे निकला था वहाँ से, 4 बजे का टाइम निकला था कि जाऊँगा, बट वही है कि यार केबल ये सब रखने में दिमाग खराब। ये बेटी उठ गई है, क्या मज़ा आएगा अगर मम्मी को पता ही ना चले यार कि मैं उधर जाके आ गई है। लेकिन व्लॉग देखेंगे तो भाई भेल टूटेगी पक्का है, मतलब मैं 100% श्योर हूँ। मेरी पिछवाड़े मतलब जैसे 2 पीस और 4 पीस बॉल्स होती ना क्रिकेट में हो जाएंगे, अब तो 2 पीस और 4 पीस हो जाएंगे। तो भाई ये सीन है यार, भाई से पूछा कि डर तो नहीं लगा है, तो बोले नहीं नहीं लगा, टांगे चिपका दी उसने मेरे पे। होता ही यार, कंट्रोल अपने हाथ में, लेकिन लोगों को डर तो लगता ही है। चलो यार बेटी बांध देते, फिर मिलते हैं। देखो बेटी आ रही चुपचाप। दीदी भाई तुम तो मेरे साथ रह के पागल हो जाओगे जी। यार इसका एंगल सेट करना पड़ेगा यार, थोड़ी खर्चा यार। मुझे लगा आप सेंटो में आ गए हो एंकर, आपके शर्ट लेके आता था भाई मैं। तो ये क्या बता रहे यार, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो यार भाई? ये शर्ट लेकिन किसकी है भाई? फाइनली वी आर इन हल्द्वानी गाइस। मैं तो बस में हूं, लेकिन हां बस में आया ना, तो मैं तुम्हें चेक करने आया हूं। तो भाई ये जब लॉग मम्मी देखेगी तब पता चलेगा। भाई सुबह पहुंच गए थे घर पे और इतनी नींद आ रही थी तो सब सो गए। अभी हम लोग उठे थे तो चाय वाय पीने गए दीपुदा, फिर अभी आए हैं, अभी फिर से नींद आ रही है। 9:30 बजे उठ के चले गए थे, अभी अमन आ रहा है दूसरा वाला दिल्ली वाला, तो वो गिटार लेके आ रहा है जो एपीफोन वाला है, वो दिखाते हैं आपको। मैंने एनजी की मम्मा को फ़ोन किया कि अमन को छुड़वा दो पहले, तो वो छुड़वा रहे, तो तब तक हम गिटार चेक कर लेंगे 10-5 मिनट, फिर गिटार भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीता रही यार, आज का दिन ऐसे ही चला गया, रात भर नहीं सोया, फिर उसके बाद मॉर्निंग में चला गया था, देख लिया होगा आपने आगे वीडियो में। तो आने देते हैं अमन को भी, दोनों अमन को, वो वॉशरूम गया फ्रेश होने और अमन आ रहा है उनके साथ गाड़ी में, तो आ जाएगा फिर उसके बाद मिलते हैं। तो हेलो गाइस, अमन इज हियर, मीट अमन। मैं भी आऊंगा क्या व्लॉग? अरे यार थैंक यू सर, थैंक यू। कहना चाहता मेरे व्लॉग अब तो मैं फेमस हो जाऊंगा। अब सर मतलब ही हो चुके हैं, बिना पैसों के सिखा नहीं रहे, लेकिन फेमस जरूर कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, फेमस कैसे भी हो, क्रिंज कंटेंट बना के हो चाहे मेरे व्लॉग्स में हो के हो, बट आप फेमस हो जाओगे। नो सही बात है। तो बस हम लोग थोड़ा वार्तालाप करें, गॉसिप्स करें भी हुए की, फिर आपसे मिलेंगे। हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में कुछ खाने के लिए, मिलते हैं गाइस। और यहाँ पे देखिए बैठे हुए मिक्स विद आसुदेव का कोर्स करे तो सीख नहीं रहे। पिक्स पिक्स विद मासुदेव डिक्स क्या बोल रहे थे? नोनू सिगम, नोनू सिगम, ए नेपाली, ए नेपाली, ए मोमो, ए चाउमीन, ए साले तीन माचिक ना, ए तुम दोनों ऐसे किसकी माचिक नहीं है रे? वो छोटे वाले ईयरबड्स। अरे आप क्या कर रहे हो मैं भैया? यार मेरा ये बालों वाला निकल गया। ऐसे चला दो। कहाँ के बाल काट रहे थे? लेकिन सुनो यार, जी जीसस दी खालसा नहीं, वो है ना वो जय श्री अल्लाह करके था कुछ। जय श्री अल्लाह, ये तो मत बोलो। मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु। बच्चों ऐसे नहीं निकलता यार, मैं ही समझूंगी।
तो गाइस ये देखो सब अपने वो को जा सकते हो, वो नहीं बोलते क्या इसको? कान कान बेटा कान। गाइस तो गाइस हमें दुबई में सर को अगर दुबई से कम दूरी है बॉम्बे सेंट्रल नेक्स्ट टाइम मुझे पीछे मेरी बंदी है सुकून देखेगा नेक्स्ट टाइम बॉम्बे सेंट्रल ओह वेरी डेंजरस उमागु टू रूलर। चलो मेरे पास टाइम नहीं है। वो ऑडियो बेस से वो करते हो ना, ये है एक्सटर्नल माइक लगा तो बेकार आती है, एक्सटर्नल माइक है इसका। माय गॉड कल व्लॉग में तो मतलब क्रैक क्रैक। अमन चला गया है और ये वाला अमन यहीं पे है, तो छोटा अमन चला गया, बड़ा अमन यहीं पे है और अब हम जा रहे हैं आज डिनर पार्टी में खाने के लिए बढ़िया लबाबदार डिनर। तो आपको भी मिलाते हैं बढ़िया डिनर पार्टी में, हमें इनवाइट किया है आज। ये होंगे जरा डिनर में जाने के लिए तैयार। सही बात है। अरे क्या वीडियो आ रही है भाई यहाँ पे, मेरी बाइक का ब्लॉग मैं बनाया करूँ, मुझे गुस्सा भाई। तुम कितने भाई तुम कितने हैंडसम लग रहे हो यार इसमें। 10 बजे तक अब मैं हूँ 3 बजे, अब मैं हूँ सीधे 3 बजे। बैठो फिर से पूछो बेबी तू घर जा। कितने बजे तक आओगे लाल? बताओ। लाल तो पहना नहीं हमने आज, मैंने तो ब्लू पहना है। इधर तू ना कब आओगे? ओके बाय गाइस। अरे तो हाय गाइस वी आर हियर जहाँ लोग डिनर करने आए हैं। देखो कितना अच्छा सा, कितना अच्छा सा इंडोर है यहाँ पे। और हियर वी हैव एनजी, एनजी और विराट कोहली कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है। और अभी आने वाली है एली, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है और हमें भी, तो एली के आने का वेट करते हैं। तो गाइस पूरा वीडियो सुनने के लिए नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दिया है उनका, वहाँ जाके सुन लो। और होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक वीडियो देखा तो बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किया बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।